इत्तेहाद न्यूज को देखने से पहले सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, लाइक कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इत्तेहाद न्यूज और INN7 में आप सभी का खैर मकदम है। कोरोना मरीजों में इजाफा जारी है, उसी तरह से बारिश के पानी का कहर भी जारी है। बारिश कुछ कम रहने से आज घरों में दाखिल पानी भी कई जगहों पर कम हुआ, पर कई जगहों पर बारिश की वजह से मकानात के गिरने की इत्तला हासिल हुई। पूरे मुल्क में बेलगाम बारिश की फहरिस्त में भी 8वें नंबर पर पहुंच चुका है। पूरे देश में सबसे ज़्यादा बारिश वाले शहरों में बेलगाम 8वें नंबर पर पहुंच गया है। बेलगाम बम्बई पहले नंबर पर, कोल्हापुर 6ठे नंबर पर और बेलगाम 8वें नंबर। बेलगाम शहर अलारवाड़, अनगोल, गोवा व शाहपुर में घरों की दीवारें गिरने से काफ़ी नुकसान हुआ है। चिक्कोड़ी, कुर्ची और रायबाग में बाढ़ का जायजा डीसी बेलगाम और अफसरान ने लिया। दूधगंगा, वेदगंगा, कृष्णा नदी का पानी बढ़ रहा है, जिसे नदी किनारे के गांव को इशारा भी दिया गया है। NDRF को तैनात किया गया है। बाढ़ जैसे हालात से कई सड़कें पानी की जद में आ चुकी हैं। कोरोना की आड़ में पैसे ऐंठने वाले अस्पतालों पर कार्रवाई का इशारा जिले वजीर रमेश जारकीवाली ने दिया है। उन्होंने कहा कि बेंगलोर में कई अस्पतालों पर कानूनी कार्रवाई की है, लिहाजा बेलगाम शहर और अतराफ में भी बेहिसाब बिल मरीजों से लेने वालों पर कानूनी कार्रवाई सख्ती से की जाएगी, ऐसा इशारा दिया। बेलगाम शहर आज कोरोना पॉजिटिव मरीजों के लिए फिर से तारीखी दिन रहा। आज अब तक के सबसे ज्यादा पॉजिटिव मरीज पाए गए। आज पॉजिटिव मरीजों की तादाद 400 के करीब रही और यह आंकड़ा अब तक का सबसे बड़ा है। इससे पहले 200-250 के करीब रहा करता था, पर आज अचानक 400 के करीब पॉजिटिव मरीज पाए जाने से सेहत महकमा की परेशानी में भी इजाफा हुआ है। कोरोना से मरने वालों की तादाद आज सिर्फ 2 रही तो कुल रियासत में 90 से ज्यादा रही। एक तरफ बिम्स पर उठते सवाल और बढ़ते मरीज, ऐसा दोहरा दबाव में इंतजामिया दिखाई दे रही। यह भी देखा जा रहा है कि अब अक्सर लोगों को होम आइसोलेशन किया जा रहा है, जिसका नतीजा भी बेहतर साबित हो रहा है। अब तक 200 के करीब लोग होम आइसोलेशन से सेहतमंद होने की खबर हासिल हुई है। सिविल अस्पताल का डर आज भी आवाम के दिल में है, देखा जा रहा है, पर सेहत महकमा ने भरोसा दिलाया है कि सिविल अस्पताल में बेहतर इलाज दिया जाएगा। हासिल इत्तला के मुताबिक पॉजिटिव मरीज भांदुर गली, भाग्यनगर, सांबरा, भारत नगर, नागपा चौक, शाहपुर, सह्याद्री नगर, शाहू नगर, अंजनेय नगर, अशोक नगर और शहर के और भी इलाकों से पॉजिटिव मरीज पाए गए। अथनी, रायबाग, पुड़ची, सौंदती और रामदुर्ग, बैलोंगर, गोकाक, सौंदती में भी मरीज पाए जाने की खबर हासिल। बेलगाम शहर और अतराफ में फिरका परस्त तंजीमों की जानिब से किसी न किसी बहाने अकलियतों को निशाना बनाने का काम हमेशा जारी रहता है। अब जब से भाजपा हुकूमत इख्तदार पजीर हुई है, किसी न किसी बहाने हिरासत करने के बहाने तलाशे जाते रहते हैं। हुक्केरी में पीर पन्ना दरगाह जो गांधीनगर के करीब है, एक बार फिर फिरका परस्तों की शरारत सामने आई है। अमन के माहौल को किस कदर तशद्दुद में तब्दील कर फसाद की शक्ल देना, यही इसके पीछे इनका मकसद नजर आता है। ऐसा यहाँ के जिम्मेदारों का कहना। हासिल इत्तला के मुताबिक एक बंदर की गर्दन को काट कर किसी मखसूस समाज को जिम्मेदार ठहरा कर फसाद बरपा करने की वारदात सामने आई है। रामसेना का कहना है कि राम मंदिर भूमि पूजन के चलते ये वारदात अंजाम दी है। इन्होंने नाम लिए बगैर एक मखसूस समाज को जिम्मेदार ठहराने की कोशिश की। वहीं दूसरी ओर मुस्लिम समाज ने इल्ज़ाम को खारिज करते हुए फिरका परस्तों के कारनामों की फहरिस्त बता दी। वाजह रहे कि सिंदगी, गुलबर्गा में रामसेना के कारकुनों को पाकिस्तान परचम लहराने के जुर्म में गिरफ्तार किया गया था, जिन्हें बाद में बरी किया गया था। लिहाजा जमात के जिम्मेदारान ने कहा कि इस मामले की पूरी तफ्तीश हो जाए ताकि इसके असल मुजरिमों के चेहरे से नकाब गिरा दिया जाए। इस मामले के बाद तनाव का माहौल रहा, पर पुलिस ने जल्द मामले पर काबू पाया। मनगुत्ती गांव में शिवाजी पुतले की मुखालिफत। यमकनवाड़ी पार्लियामेंट के मनगुत्ती गांव में शिवाजी महाराज के पुतले के कयाम पर कुछ लोगों ने मुखालिफत की, जिससे यहां पर भी तनाव का माहौल रहा। हासिल इत्तला के मुताबिक अब तक गांव में सभी समाज के लोग मिलजुल कर रहा करते थे। इससे पहले भी डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, जगत ज्योति बसवेश्वर और दिगर महापुरुषों की तस्वीरें और परचम लगाए जाते थे, पर किसी महापुरुष का पुतला गांव में नहीं था। लिहाजा बेनकोली और शोषण हट्टी के दरमियान शिवाजी पुतले के कयाम को लेकर इख्तलाफ हुआ, जिससे गाँव में तनाव का माहौल रहा।
पुलिस ने तनाव के मद्देनजर मदाखलत कर काबू पा लिया है। आपसे इख्तलाफ के चलते शिवाजी महाराज के पुतले पर कपड़ा उड़ा दिया गया है। इत्तेहाद न्यूज़ देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।